बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सद्दाम मांगट है। नाज़रीन, आप तो देख रहे हैं खबरें टीवी। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और लॉकडाउन के हवाले से। चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जुड़वा शहरों में समेत मुल्क भर में जो है वो लॉकडाउन का फैसला किया गया और अब इसमें इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें जुड़वा शहरों की, तो यहाँ पर पुलिस और जो ताजर बरादरी है उनके दरमियान आंख मचोली का खेल जो है वो जारी है। अगर अब इस आंख मचोली के खेल की हम बात करें, तो ज़्यादातर ये खेल जो है वो इस्लामाबाद के मुजाफाती इलाकों में जारी है, जहां पर इस्लामाबाद पुलिस या ज़िली इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर F6 में, जहाँ पर चारों इतराव में देखा जा सकता है कि चूँकि ये एक बड़ा सेक्टर है, इसी तरह के जो दीगर बड़े सेक्टर हैं G6 है, F7 है, जना सुपर मार्केट है, इसके अलावा कराची कंपनी है, अपारा मार्केट है, ये तमाम मार्केटें तो हमें देखने में आ रहा है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। तमाम किस्म की मार्केटें जो हैं वो बंद रखी गई हैं। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद के मुजाफात या रावलपिंडी की बात करें, तो वहाँ पर ताजर और पुलिस के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। जब पुलिस आती है, ताजर दुकानें बंद कर देते हैं, पुलिस के जाते ही दुकानें फिर दोबारा से खुल जाती हैं। और इस हवाले से ना सिर्फ ताजर बल्कि जो आम शहरी हैं, जो आम आवाम है, उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। चूँकि ईद का मौका है और ईदुल्फितर के मौका पर मुख्तलिफ किस्म की शॉपिंग करने के लिए जो लोग बाहर निकलते हैं, उनको मुश्किलात हैं। जो ताजर बरादरी है, उनका ये कहना है कि चूँकि ऊपर से ईद है और तमाम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होने की वजह से जो है वो हमें भी काफ़ी किस्म की मुश्किलात का सामना है और बहुत सारे मकरूज़ भी हम हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से जो है वो कोई इस हवाले से कुछ सीरियस जो इकदाम हैं वो नहीं उठाए जा रहे। ताजर बरादरी का मजीद ये भी कहना था कि अगर हुकूमत इस पर सीरियस नोटिस ले, तो इसके बहुत सारे हल जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। लेकिन हुकूमत इस पर जो है वो सीरियस नोटिस नहीं ले रही है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ, अगर मेरे वीडियो जल्दी से आपको दिखा सकें, आप इस वक्त खबरें टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं ये तमाम मनाजर। मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन यहाँ पर रखा गया है और सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी शॉप्स जिनमें जनरल स्टोर है या यूटिलिटी स्टोर है या जो जो होटल हैं, उनको भी सिर्फ़ और सिर्फ सहर और इफ्तार में सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त दी गई है कि वो जो खाना है वो पार्सल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा होटल्स को भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है और सिर्फ जो बेकरियाँ और जो मेडिकल स्टोर्स हैं, इनको खुले रहने की इजाज़त दी गई है। घर के खर्चे हैं वो रुक जाते हैं, बच्चों के स्कूल की फीसें हैं वो हमें देनी होती है, वो हमें देनी देनी होती है, घर की ग्रोसरी है वो चल रही होती है, लेकिन हमारा कारोबार रुके हुआ है ना। हम रेंट दे सकते हैं, रेंट भी हमने देना, हम कहाँ से देंगे? हम लोग कर्ज़ों के नीचे आ गए हुए हैं। गवर्नमेंट को कम अज़ कम ये फैसला हम लोगों से पूछ के करना चाहिए था कि क्या आप लोग ये बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लास्ट ईयर भी उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको लोन देंगे कि आप लोग आप लोगों ने गुजारा किया है, लेकिन पूछे तक भी नहीं आया कोई भी। क्वेश्चन यही है कि मार्शल गए, गहरी बात है, जैसे उनको हमारी ज़िंदगी प्यारी है, हमें भी अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, हमें भी अपने घरों की ज़िंदगी बहुत प्यारी है। हम खुद भी मास्क लगाएंगे, कस्टमर को ये कहते हैं कि हम मास्क लगा के आए हैं, कोई वायलेशन नहीं हो रही। मार्केट जितनी हमारी मार्केट है, यहाँ पे इतना कस्टमर है ही नहीं है कोई भी। आप किस टाइम फुल डे के लिए आप आए ना, आपको पता चला कि अकेले जो ने कितने कस्टमर हैं। बिल्कुल फिलहाल तो बंद है सर, मुकम्मल तौर पर बंद है, अब तक फिलहाल बिल्कुल पक्का बंद है, 16 तारीख तक बंद है। 16 तारीख के बाद भी गवर्नमेंट डिसीजन करेगी। हमारा ये पूरा महीना हो गया, बल्कि पूरा महीना क्या, पिछला साल भी लगा लें, इसे भी लगा लें, बिल्कुल हम तो हैंड टू माउथ होकर बैठे हैं गवर्नमेंट से। उन्होंने कभी आज तक किसी की सुनी है? ये नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से बाहर निकलेंगे तो कुछ करेंगे, वरना ये कुछ नहीं कर सकते। असल में जब मसाइल पर बात करेंगे ना, तो मसाइल का तो कहीं ना कहीं हल मौजूद होता है। ये मसाइल नहीं है, ये मसला बना के रखा हुआ है गवर्नमेंट ने अपनी अना का, जो कि कोरोना बीमारी की आड़ में और बहुत अच्छा कुछ हो रहा है उस पर तवज्जो नहीं है, सिर्फ एक दुकानदार। मैं आपको रब की कसम खा के कहता हूँ कि जो इस काबीना का कैबिनेट का बंदा है ना, उन लोगों को कॉस्मेटिक की शॉप पर बिठा के देख लें 24 आवर्स के लिए कि इनके अंदर कितने कस्टमर जाते हैं और कितने आते हैं, और उसके मुकाबले में फिर आप यूटिलिटी स्टोर पर चले जाएं, इनके जो अपने हैं उन पर देखें क्या पोजीशन हो रही है। बात ये है कि मेरे भाई, कोरोना से जो बीमारी है उससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन कोरोना का मकसद ये है, एक बंदा एक दुकान में अकेला बैठा, आप मास्क लगा के बैठे हैं,
भाई इसको कहाँ से चमट रहा, वो हवा में घुस गया बीच में, उसमें से अकेला बैठा हुआ भी ठीक है, उसके चलान कटे यहाँ पर हमारी मार्केटों में, अकेला आदमी बैठा हुआ है, कितने 6,000 रुपया। कहने का मकसद ये है कि ताले लगा के बैठे हैं, जो मर गए वो तो दफना दिए, और जो जिंदा हैं उनके जनाजे कौन उठाएगा, वो जो मर रहे हैं उनका कौन उठाएगा। पॉलिसियाँ बनाए 24 आवर के लिए खोल दें, इस पर बलोच साहब हमारे लीडर जो है वो कहते रहे, रो रो के पीटते रहे, 24 आवर खोल दें, आराम आराम से आए, खुदा की कसम पहले चलो कम अज़ कम इतना रिलीफ दे, सब्जी खुली हुई है, जनरल स्टोर खुला हुआ है, जनरल स्टोर पर सबसे ज़्यादा रश होता है आप देखिए, खुला हुआ है क्यों जी, ज़रूरत है इसलिए, भाई आपने ज़रूरत को देखना है या आपने बीमारी को देखना है, जब आप बीमारी को देखते हैं फिर ज़रूरत को ना देखें, कोई मरने नहीं लगे, रोज़े में भी सुबह से रखा हुआ है लोगों ने मारा ना, आप ज़रूरियात को देखने जिनको बड़ी ज़रूरत है, भाई ज़रूरत है तो कॉस्मेटिक्स वाला आप मुझे बताएं, कॉस्मेटिक ये फर्नीचर की बात करें, एक वहाँ खड़ा होता है बेड देख रहा है, वहाँ देख रहा है, बंद कर दें सारे, वो तो आप ये देखें कम अज़ कम वो तो एक कनाल कनाल डेढ़ कनाल में उनको शोरूम है बेचारों के, किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी है, लेकिन बंद कर दें जनाब आप, और टेक अवे आप इतना सठिया होगा छोटे का लगा क्योंकि 100 आदमी उसके ऊपर होगा, कोई नहीं देखता उसको, भाई ऐसे भी देख रहे हैं या अपने दुकानों वालों से कोई दावत है, ताले लगा दें आप उसको, हमारी समझ से बाहर है, बिल्कुल मानता रहे, यकीन मानिए कि कोई मैं तो कहता हूँ ईद करवा देते, वो कहते हैं यार ईद होगी शुक्र है जान छूट गई आपकी भी, ईस्टर पीछे आपको गुजरा होगा, पीछे ईस्टर वाले उन बेचारी मसीह बरादरियों से पूछें ईस्टर कैसे गुजारा है, रोते रहे खुदा की कसम, एक लास्ट को कहते हैं यार अल्लाह का वादा पूछे, यही मुसलमानों का हाल हुआ, यही उनका हाल हुआ, ना मजहबी तौर पर दुनियावी तौर पर, हमारी समझ से बाहर, बिल्कुल बाहर, थैंक यू।